Hello everyone. Good morning. Good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. So, hey guys, how are you all doing? Guys, am I audible as well as visible? Let me know in the comment section, please. So, hi Himanshi, Kamal, Saloni. Very good morning, guys. Hi Riddhi. Yes, Riddhi, please ask. So, guys, this newspaper analysis session. Like it happens regularly from Monday to Saturday, 11 to 11:45 के बीच में. Today it is 8th of August. मंडे का दिन है एंड आई एम बैक अगेन विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन फॉर यू ऑल. दिल्ली एडिशन मैंने लिया हुआ है एंड देखते हुए आज दिल्ली एडिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो लेट अस अपडेट आवर डेली करंट अफेयर्स नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो ये सेशन में बेसिकली आपको रोज हेल्प मिलती है. आई मीन मंडे टू सैटरडे एवरी डे आई टेक दिस सेशन फॉर अपडेटिंग योर करंट अफेयर्स. आपके करंट अफेयर्स को अपडेट करवाने के लिए रोजाना ये सेशन होता है. तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप भी अपने करंट अफेयर्स बहुत रेगुलरली अपडेट कीजिए, बिकॉज एक साथ अक्यूमुलेट करके याद नहीं होता है करंट अफेयर्स. सो मेक श्योर दैट यू अपडेट योर करंट अफेयर्स रेगुलरली. ओके, वृद्धि जो आपने बनाया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आपने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लास वृद्धि? मैंने जो लिंक्स भेजी थी स्पेशल क्लासेस की, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है उसी की बात कर रहे हो वृद्धि? यस, मैंने जो लिंक्स भेजी थी 2 दिन पहले आप लोगों को, यस, इसमें ऑलमोस्ट मैंने पूरा लॉ ऑफ टॉट्स कवर किया है. तो मेजरली आपको मैं इतना बता सकती हूँ 70 to 80% कवर हो चुका है. कुछ कुछ चीज़ें हाँ मे बी छूट भी गई होगी, बट 70 to 80% जितना लॉ ऑफ टॉट्स तो डेफिनेटली हो गया है. मेजर मेजर चीज़ आपको सारी कवर करवाई है मैंने, सिर्फ 4 क्लासेस में किया है. ऑब्वियसली लॉ ऑफ टॉट्स इज क्वाइट वास्ट, तो काफ़ी टाइम लगता है उसे कवर करने में, बट मेजरली स्पेशल क्लासेस में ये मैंने काफ़ी कुछ कवर कर ही लिया है. हाय पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो गाइस, दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन यूजफुल फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स हु एवर वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल है. ठीक है, सो आप लोग एक सिंपल सा काम करो कि करंट अफेयर्स को रोज अपडेट करो. न्यूज़पेपर से बेटर सोर्स तो क्या हो सकता है गाइज करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए. तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना लेना है चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन रोज आ जाएगी और आपका सेशन रोज अटेंड हो जाएगा, मिस नहीं होगा एक भी सेशन. क्लियर है? एंड सेकेंड थिंग, अदर थिंग इज प्लीज शेयर अबाउट दिस क्लास. इट्स अ फ्री क्लास गाइज, जितना हो सके सबके साथ शेयर करो, सो दैट सबको ये फ्री सेशन के बारे में पता चले और सबको बेनिफिट हो इससे. ठीक है, तो स्टार्ट शेयरिंग. वहाँ पे शेयर बटन है, क्लिक करके आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए. मीन वाइल मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा और कुछ अन एकेडमी के इंपॉर्टेंट फीचर्स का. ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़पेपर को एनालाइज करना. ठीक है, तो एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी. सी गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस. लाइक ये मैंने पहले स्टार्टिंग में बनाया था और अन अकेडमी पर भी 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है. सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज
I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you all and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. And Academy is a platform, ye logo aap dekh rahe ho. It's quite a wonderful platform in today's time, guys. Trust my words. Aap join kijiye, khud hi experience kijiye ise. Unacademy Learning app को download कीजिए from your Play Store or App Store and start using it. आपको free classes, free mock tests, free quizzes, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा. अगर आपको ये free features experience करने के बाद अगर पूरा experience अच्छा लग रहा है, then you guys can think about taking the subscription. तो प्लस आइकॉनिक, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस बेसिक वन है, आइकॉनिक अपग्रेडेड वन है. ये प्राइजेस है वो दोनों सब्सक्रिप्शंस की. इनके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड निधि लाइव यूज़ करके, ठीक है. एंड ये देखिए अनअकैडमी पे ये सभी लर्नर्स ने अनअकैडमी पे सीख के टॉप एनएलयू में मेक किया है, आप भी कर सकते हैं. सो एवरी वीक वी कम अप विद न्यू बैचेस, ओके. सब्सक्रिप्शन वंस यू गाइस टेक तो आप ये बैचेस अटेंड कर पाओगे. हर वीक हम नए बैच लाते हैं. सो कोई भी टाइम पे आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके पास न्यू बैच होगा ज्वाइन करने के लिए. एंड दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. तो सब्सक्रिप्शन लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर वे में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए. और जब भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा तभी जाके आपका पूरा यू नो अच्छे से प्रिसाइज प्रिपरेशन होगा, ठीक है. तो ये वीक हम लोग ये बैचेस ला रहे हैं. 12th of August से ये एक बैच पर्टिकुलर स्टार्ट हो रहा है क्लैट एंड एलसेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए. एंड वन मोर बैच इज फॉर क्लैट एंड एलर्ट एस्पिरेंट्स. सेम 12th August को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दोनों बैचेस में अलग अलग एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. सो अलग अलग एडुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन होगा. ऑल माई स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए ना ई नोट्स अवेलेबल की है, जस्ट उसकी सैम्पल कॉपी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. सो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ई नोट्स मिलता है पूरा. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्रॉपर फिजिकल नोट्स हम घर पर पहुँचाते हैं, ठीक है. तो ये ई नोट्स आपको एक आइडिया देगा कि आप लोग ये स्कैन करके कोड आप ये डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल कॉपी, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कितने अच्छे हैं अनअकैडमी के नोट्स, ठीक है. फ्री क्लास मेरी आज एक भी नहीं हो रही है गाइज. आई एम जस्ट हैविंग वन प्लस क्लास टुडे 5 to 6:30, ठीक है. इवनिंग 5 to 6:30 हमारा लीगल का प्लस क्लास है, जिसमें मैं क्रिमिनल लॉ करा रही हूँ. आज क्रिमिनल लॉ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं गाइज, तो मेक श्योर यू गाइज अटेंड इट लाइव, ओके. एंड ये नेक्स्ट संडे को होने वाला है अनअकैडमी लीगल अदालत, ज़रूर ज्वाइन कीजिए इसे. फ्रीडम सीरीज, इट्स अ स्पेशल क्लास सीरीज. आप सबको पता है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है नेक्स्ट मंडे को, वन वीक ही बाकी है इसे. तो पूरा फ्रीडम सीरीज हम कर रहे हैं ये वीक, ठीक है, जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग एडुकेटर आपको सारी नॉलेज देंगे, ठीक है. एंड चैम्पियनशिप, ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट गाइज, एक सेकेंड, ये हो रहा है लखनऊ में 14th of August 3 बजे, नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को मीन्स. और 1st to 10th रैंक होल्डर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और यू कैन एनरोल स्कैनिंग दिस कोड. एंड चैम्पियनशिप मॉक टेस्ट जो है ना लखनऊ वालों के लिए ऑफलाइन रहेगी, ये सब के लिए, बाकी शहरों वालों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो 14th को 2 बजे ऑनलाइन वाली, ठीक है. उनमें भी रैंक होल्डर्स 1st to 15th रैंक होल्डर्स को ये सब इनाम है. इट्स अ फ्री थिंग, तो आपको निधि लाइव कोड यूज़ करके एंटर करना है जब भी आप एंटर करो, ठीक है. एंड अनअकैडमी क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल दी अपडेट्स, प्लीज़ ज्वाइन इट गाइज. एंड ये यूट्यूब चैनल अनअकैडमी क्लैट का, जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है. तो ये सारी हमने डिस्कशन कर ली और बात कर ली, इंट्रोडक्शन कर ली मेरी और अनअकैडमी की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की. नाउ क्विकली क्विकली हम न्यूज़पेपर में क्या क्या आज इम्पॉर्टेंट है देखना स्टार्ट करते हैं. सो या
पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग. हे प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग. पीताम्बर, हैप्पी आज़ादी दिवस. हैप्पी आज़ादी दिवस, अभी तो बहुत टाइम है पीताम्बर इसे. फिरदौस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा अभी, मुझे लग रहा है टीम को बोल के कि बाकी डिस्टर्ब कर रहा. आप नहीं पढ़ना है तो मत आओ, प्लीज़ प्लीज़ ये फालतू के कमेंट्स करके डिस्टर्ब मत करो. मैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट कमेंट्स फिर मिस कर देती हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ लोगों के, ठीक है. ऑल राइट, सो आज न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखना स्टार्ट करते हैं क्विकली. सो गाइज, पीएम लॉड्स स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन फाइटिंग कोविड-19. सो नीति आयोग का कल मीटिंग था, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ कल, कल के दिन, और जिसमें लगभग सभी स्टेट, दो स्टेट को छोड़ के सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सब यूनियन मिनिस्टर्स, सभी ने मीटिंग अटेंड की नीति आयोग की. प्रधानमंत्री मोदी जी ऑफकोर्स इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नीति आयोग के, जब से 2014 से नीति आयोग बना हुआ है तब से. सो प्रधानमंत्री जी ने लॉर्ड किया, लाइक अप्रिशिएट किया सभी स्टेट्स को कि हम कोऑपरेट करके जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोविड-19 को फाइट किए हैं, इट्स क्वाइट गुड एंड अप्रिशिएटिव. ओके, तो और क्या क्या डिस्कस हुआ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में? दे डिस्कस्ड अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, NEP दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अर्बन गवर्नेंस. ये सब मेन मुद्दे थे जो डिस्कस किए गए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में, ठीक है. सो तेलंगाना और बिहार के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं रहे. नीतीश कुमार जी का पता नहीं है क्यों नहीं प्रेजेंट हुए, बट बाकी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने तो बोला था कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उनको यूनियन मिनिस्टर्स का, मतलब क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं ये नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं. सो इसके अलावा 23 चीफ मिनिस्टर्स, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स, इन सभी ने मीटिंग अटेंड की. सो चार पेज का लेटर पीएम मोदी जी को लिखा था तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने एंड कन्वे किया था कि आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मीटिंग. ही सेड कि मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा, ये एज अ प्रोटेस्ट, मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाना चाहता हूँ अगेंस्ट द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द स्टेट. तो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट का ट्रेंड चल रहा है कि हम स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं और इक्वल पार्टनर्स के तौर पर लेके नहीं चलते हैं, तो वो चीज़ का प्रोटेस्ट दिखाने के लिए मैं नहीं आऊँगा मीटिंग में. तो बाकी सारे के सारे आए, इन्हीं को प्रॉब्लम हो गया. सो नीति आयोग टर्म्ड द डिसीजन वेरी अनफॉर्चुनेट. यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया ऑन सैटरडे कि बॉयकॉट दिखा रहा है कि कैसे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने इंटरेस्ट लूज किया है इन द डेवलपमेंट वर्क्स फॉर द कंट्रीज ग्रोथ. ओके, सो कंट्री के ग्रोथ के डेवलपमेंट में कैसे वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कमेंट किया उनके बारे में, ठीक है, अबाउट द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर. मेनली इसमें फोकस किया गया 3 T's पे, 3 T's, दैट इज ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी. तो एवरी इंडियन मिशन अराउंड द वर्ल्ड, तो कैसे हम ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी तीनों को सबसे मैक्सिमम प्रमोट करें, ये सबसे बड़ा फोकस था उनका, ठीक है, ये मीटिंग में, नीति आयोग की मीटिंग में. ओके, डिस्क्राइबिंग, ये भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, डिस्क्राइबिंग द कंट्रीज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 एज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शो टू द वर्ल्ड दैट इंडिया वॉज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिल्ली but included every state, union, territory. The Prime Minister called for a mass movement for identification of the best talent available in the country. So, हमें हमारे पूरे स्टेट में कैसे बेस्ट टैलेंट फाइंड करना है, इस बारे में बात की मोदी जी ने. एंड नेक्स्ट ईयर 2023 में हम G20 जो कंट्रीज़ का एसोसिएशन है उनकी प्रेसिडेंटशिप हम करने वाले हैं इंडिया
is going to be the president in 2023 of the G20 countries. And उस टाइम पे हम दिखा सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ दिल्ली नहीं है जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अलावा भी पूरा इंडिया में कितना टैलेंट है, ये हम शोकेस कर सकते हैं. ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए. ये सारी बातचीत हुई इन द नीति आयोग मीटिंग. सो ऑल माई न्यू स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज हेल्प हियर इन दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर नोट्स मेकिंग एज वेल. आपको नोट्स मेकिंग में भी इधर हेल्प मिलता है, तो कौन से न्यूज़ की इम्पॉर्टेंट नोट्स बनानी है, कौन से न्यूज़ की नहीं बनानी है, दैट आई कीप टेलिंग यू. तो जिस भी न्यूज़ के बाजू में आई पुट अ स्टार मार्क लाइक दिस गाइज, उस न्यूज़ के अंदर जितना हाईलाइटेड और अंडरलाइंड पार्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए आप लोग. तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ में मैंने जितना हाईलाइट और अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है. नीति आयोग मीटिंग में क्या क्या हुआ ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कल हमारे इसरो ने एक लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च की थी, जो कि एक रॉन्ग ऑर्बिट में जाके लैंड हुई, एंड सो पूरा जो मिशन है वो फेल हो गया, स्लो एंड इट्स नॉट यूजेबल. द सैटेलाइट इज नॉट यूजेबल, दैट इज वॉट इसरोज चेयरमैन कन्वेड ओके अबाउट इट. सो सैटेलाइट लॉन्च बाय SSLV. SSLV क्या होता है गाइज, देखिए इसका फुल फॉर्म ओके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो इससे एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जो एक रॉन्ग ऑर्बिट में जाके गिरी, आई मीन लैंड हुई, एंड इट्स नॉट यूजेबल नाउ. लॉन्च व्हीकल पुट देम इन एलिप्टिकल नॉट सर्क्यूलर ऑर्बिट. ये मिस्टेक हो गई, ये एक पर्टिकुलर चीज़ में गलती हो गई है उनसे. ये चीज़ के बारे में इसरो ने एक डिक्लेयर किया, एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है? सो इसरो ऑन संडे सेड द सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड इट्स मेड इन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर नो लॉन्गर यूजेबल. जो उनका पूरा मिशन था ये फेल हुआ बिकॉज अभी वो जो सैटेलाइट लॉन्च किया वो कुछ तरीके से यूजेबल नहीं है बिकॉज इट लैंडेड इन द रॉन्ग ऑर्बिट ओके. तो ये ध्यान रखनी है. ऐसी स्पेस रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आपकी करंट एग्जाम्स में पूछी गई है. जून 2022 में भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन थे. प्रीवियस जो क्लैट 2020 वाली एग्जाम में भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. तो कोई भी ऐसे स्पेस के अभी ये एक बड़ा ग्लिच हो गया, इट्स अ बिग फेलियर ऑफ इसरो. तो नॉट अ बिग फेलियर एज सच, बट डेफिनेटली ऐसी मिस्टेक्स होती है. तो इस बारे में आपको कुछ पूछेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आइडिया होनी चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ इसमें, ठीक है? तो इसके लिए पूरा जितना हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको लिखना है, ठीक है? तो आफ्टर द SSLV D1 प्लेस देम इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ सर्क्यूलर वन. तो ये प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अभी यूजेबल नहीं है वो, ठीक है? तो क्या हुआ था, फेलियर ऑफ अ लॉजिक टू आइडेंटिफाई सेंसर फेलियर एंड गो फॉर अ सैलवेज एक्शन कॉज द डिविएशन, इसरो सेड इन एन अपडेट इन एन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल. तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इसरो ने अपना स्टेटमेंट दिया कि एक पर्टिकुलर लॉजिक ने यूज़ किया जो सेंसर फेलियर हो गया था उसका, वो उस कारण एक रॉन्ग ऑर्बिट में जाके वो लैंड हुई, तो कुछ काम का नहीं है पूरा, ये फेल गया. सो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ इसका डिटेल स्टेटमेंट तो देंगे जल्दी ही, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को. इट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, डेफिनेटली स्टार मार्क कर रही हूँ. जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है अपनी नोट्स में लिखिएगा, ओके? Anon gave a very good morning. Pooja, ma'am, is your video enough for newspaper or should I take newspaper also? Please tell ma'am. Pooja, the videos would be useful definitely. सिर्फ कुछ न्यूज़ अगर, वो भी मैं रोज़ नहीं बताती हूँ, बट कभी कभी कुछ न्यूज़ मैं बताती हूँ कि आपको रीड करनी चाहिए इवन आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, तो फिर रीड कीजिए. अदरवाइज सिर्फ आप ये मेरी न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोज़ देख लीजिए, आपको इनफ हो जाएगा. यू नीड नॉट डू एनीथिंग मोर, ठीक है?
हिमांशी न्यूज़पेपर क्लियर अगर नहीं है आपके लिए, देखिए मेरे फ़ोन में मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स के साथ मेरा जो वीडियो एब्सोल्युटली क्लियर है। आपको क्या करना है ना, देखिए आपके जो स्क्रीन पे ऊपर ऐसे सेटिंग्स बटन जैसा दिखता है, एक एक चक्र जैसा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो इसमें क्लैरिटी लेवल आएंगे ना, उसमें आपको क्वालिटी में टच करना है। एडवांस में जाइए फिर, और 720p पे वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली पूरा क्लियर दिखेगा। गार्डियन डेविल इज आस्किंग BLLB के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ लॉयर जॉब मिलेगी या नहीं। यस मिल सकती है, लीगल एडवाइजर के तौर पे आप कोई फॉर्म्स में भी एज अ रिटेनरशिप ले सकते हो। एंड जो सैलरी तो ठीक ठाक मिलती है, आप 40-50,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। आई लिव इन बॉम्बे तो मुझे पता है, पर दूसरी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ सैलरी लेवल क्या है। बट लॉयर बनने के बाद सबसे बेस्ट पार्ट है, या तो आप टीचिंग में आ जाओ हमारे जैसे तो भी अच्छा पैसा बनता है, या फिर प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली प्रैक्टिस में भी शुरुआत से पैसा नहीं बनता है, और जॉब कुछ साल करनी पड़ती है, 5-7 साल फॉर एक्सपीरियंस। बट एक्चुअल अच्छा पैसा तो आपको प्रैक्टिस जब भी करते हो, खुद के क्लाइंट्स होते हैं तभी बनता है। सैलरी में एक लिमिटेशन ही होती है गार्डियन लेवल। यस प्रिया आई नो ही इज डिस्टर्बिंग अलॉट, मुझे भी सारे कमेंट्स में वो बीच बीच में दिख रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो बेटा ये चैनल है ना, हमारी टीम बैक एंड से इसे ऑपरेट करती है, राइट? तो अभी मैं मेरे फ़ोन में ही सिर्फ ब्लॉक कर सकती हूँ, इधर से नहीं। तो मैं डेफिनेटली आज तो टीम को बता रही हूँ, तो वो लोग ब्लॉक कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। है नकुल, आप अपने फ़ोन से तो ब्लॉक कर सकते हो, जिससे आपको कमेंट्स एटलीस्ट नहीं आएगी। हाय वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, चरण स्पर्श, ओके आशीर्वादम। PCSJ मतलब क्या बोल रहे हो आप गार्डन लेवल? यस गाइस एवरीबडी प्लीज ब्लॉक, तो आप लोग को एटलीस्ट कमेंट नहीं दिखेगी, और बाकी मैं टीम से बता के फिर ब्लॉक करवा दूंगी, तो टेंशन नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज हुई हमारी। ओके, दूसरी ये फ्रंट पेज से इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज है, दूसरे पेजेस पे देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज ऑन दिस पेजेस, न्यू दिल्ली में, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट में, एक आदमी को अपनी बेटी का, 5 साल की बेटी का रेप करने के ऑफेंस में अरेस्ट किया गया, जिसके लिए अरेस्ट करने वाले थे। तो उसके पहले वो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, तो हाई कोर्ट ने उनका बेल पिटिशन रिजेक्ट कर दिया कि नीड टू असर्टेन इफ एक्यूजेशन मेड टू ह्यूमिलिएट पिटिशनर। तो पिटिशनर को मतलब ह्यूमिलेट किया है, इफ एक्यूजेशन मेड टू ह्यूमिलेट पिटिशनर मतलब अगर बेल के लिए जिसने अप्लाई किया है द हस्बैंड, उसको क्या ह्यूमिलेट करने के लिए किया है तो बेल देंगे, वरना नहीं देंगे। स्पेशली कभी भी अगर कोई लड़की का रेप हो रहा है और उसकी मदर ने ही, लड़की की मदर ने अपनी अपने खुद के हस्बैंड के खिलाफ जब भी कंप्लेन लॉज कराई है, एलिगेशन लॉज कराए, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसे चीज़ों में, जल्दी से ऐसे किस्सों में हम हस्बैंड को बेल नहीं देंगे, वो आदमी को, फादर को बेल नहीं देंगे जिसने अपनी बेटी का रेप किया है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया। सो दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्टेड एंटिसिपेटरी बेल प्ली ऑफ अ 34-year-old मैन अक्यूज ऑफ सेक्शुअली असॉल्टिंग हिज 5-year-old गर्ल चाइल्ड। इट नोटेड दैट कोर्ट्स हैव टू बी सेंसिटिव, जब ये एलिगेशन खुद मदर ने लगाया है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट खुद वाइफ ने लगाया है, तब भी सेंसिटिव मामला हो जाता है। बट डेफिनेटली कोर्ट ने बोला कि हम एसरटेन करेंगे, अगर जानबूझ को हस्बैंड को परेशान करने के लिए एक्यूजेशंस लगाए हैं तो फिर बेल देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, ये चीज़ ज़रा लिखना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ ऑन आर एडिटोरियल पेज, भाई सीधा हम लोग एडिटोरियल पेज पे आज
हमारा इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल डिस्कस करना, वो हम करेंगे। यस आई सपोज आप प्रिपेयर कर ही सकते हो जॉब करते करते भी इस चीज़ के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। गार्डन डेविल, हाय रुपसा, आफ्टर लॉन्ग टाइम रुपसा आई एम सीइंग योर कमेंट। हाय अंजानी, बिखराव शब्दों का क्या नाम है। इस साल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मीनवाइल कोई कोर्स सजेस्ट कर लो, एज इन मतलब आपका एग्जैक्टली मैं सवाल नहीं समझी। अगर आप और उपसा, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, बट आप बड़े दिनों बाद आपको मैंने देखा आज क्लास में, किधर थे आप। सो गाइज ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो बिखराव शब्दों का आपका क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छे से नहीं समझा, आप वापस पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो। नो प्रॉब्लम सलोनी, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर यू गाइज सी द रिकॉर्डिंग, लाइव देखो रिकॉर्डिंग देखो वन एंड द सेम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, आप दोबारा ट्राई कर रहे हो तो कोर्स सजेस्ट करो का मतलब क्या है, मैं वो नहीं समझी कि विच कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब अन अकेडमी पे आप कौन से सेशंस फॉलो करो वो पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो। ओके हो सकती है, हाउ वेल यू परफॉर्म उसके ऊपर डिपेंड करता है गार्डन डेविल। सो राहुल नोट्स, राहुल इज आस्किंग कि नोट्स प्रिपेयर करते टाइम कौन से डिटेल में। तो राहुल एक बात बता दूँ और सारे मेरे न्यू स्टूडेंट्स को एक बात बता दूँ, दैट ये वाला पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो मैंने मार्किंग किया हुआ है पूरा, जिसमें स्टार मार्क है, हाईलाइटेड है, ये मार्किंग वाला न्यूज़पेपर रोज जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको तभी नोट्स बनानी है, अभी सिर्फ मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, मैं समझा रही हूँ, उस पर ध्यान दो। अभी नोट्स बनाओगे ना तो एक्सप्लेनेशन मिस हो जाएगा आपका, ठीक है। और अभी आपको प्रॉपरली वो जूम करके दिखेगा नहीं, मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगी तो वो सब दिक्कत होगी। तो आपको मैं न्यूज़पेपर शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, तभी आप फिर वो स्टार मार्क किया हुआ न्यूज़ के नोट्स बना सकते हो, और उसके अंदर मैंने जितना हाईलाइट कर रखा है या अंडरलाइन कर रखा है उसके नोट्स बना सकते हो। अंडरस्टूड राहुल। अच्छा डिप्लोमा एक्सेट्रा, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ आपको साइबर लॉ का डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो, अभी अपकमिंग है साइबर लॉ काफी, तो आप उस वो चीज कर सकते हो। ओके ओके चलिए, अभी हम लोग ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज कर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कर रहे हैं। वी ऑल नो चाइना ने ताइवान के साथ क्या किया, यूएस की हाउस स्पीकर मिस पेलोसी, नैन्सी पेलोसी ताइवान आके गई, जिस चीज से चाइना को प्रॉब्लम था, तो वो चाइना मर्जी के खिलाफ ताइवान में विजिट की, तो चाइना ने लिटरली वॉर टाइप ही कर दिया, नॉट एग्जैक्टली वॉर बट लाइव ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ताइवान के एयर स्पेस और सी स्पेस सबको ब्लॉक कर दिया फॉर 4 डेज। और अभी भी और आगे क्या करने वाली है मैं आपको वर्ल्ड पेज, वर्ल्ड न्यूज़ वाले पेज पे पढ़ाऊंगी। तो मिस पेलोसी आके तो गई, बट उसके जो टुकड़े हैं, मतलब उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यूएस, चाइना, ताइवान तीनों अभी समेट रही है, ऐसा सीन हो गया है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में एडिटोरियल पढ़ेंगे, आप पूरा अच्छे से समझिएगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक ईयर्स, दिस ईयर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके सो कूलिंग द टेम्परेचर्स, मतलब अभी तक जो लोग गर्म हो गए थे, भड़क गए थे चाइना वाले, उसको कूलिंग टेम्परेचर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यूएस, चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस आफ्टर नैन्सी पेलोसीज विजिट। तो मैंने जैसे बताया वो लोग टुकड़े समेट रहे हैं। इस पूरे एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ इसको भी रीड कीजिएगा और समझिएगा मैं एडिटोरियल क्या समझा रही हूँ, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट वन डेफिनेटली। ओके मेरा टेलीग्राम चैनल मैं बता दूंगी आपको, आप जस्ट पहले मुझे इधर ही एक्सप्लेन कर देने दीजिए, मैं सेशन ख़त्म होने के पहले आपको बता ही दूंगी, ठीक है।
हिमांशी लेटर, ये सब चीज़ मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। द 4 डे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई चाइना इन द वाटर्स एंड एयर स्पेस सराउंडिंग ताइवान कंक्लूडेड ऑन August 7 विदाउट इंसिडेंट कम्स एज अ रिलीफ टू द रीजन। तो कोई रिलीफ नहीं मिली रीजन को, चाइना को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला और ताइवान को भी नहीं देखा। सिर्फ चाइना अपना पावर दिखाना चाहता था और अपना गुस्सा दिखाना चाहता था, ठीक है। 4 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइजेस एयर स्पेस और सी स्पेस में कर दी, ठीक है। द ड्रिल सॉ द चाइनीज मिलिट्री नॉट ओनली क्रॉस द मीडियन ऑफ ताइवान स्ट्रेट बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स अबव ताइवान अग्रेसिव एक्ट्स दैट कुड हैव इजीली लेड टू अनइंटेंडेड एस्केलेशन। सो ये ड्रिल्स जो है ना, इसमें कंटिन्यूस चाइनीज मिलिट्री ने ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान के रीजन में ही घुस घुस के मिसाइल्स उनके ऊपर, मतलब गिराई नहीं, उनको मारा नहीं है किसी को वहाँ पे, बट कन्वेंशनल मिसाइल्स अबव ताइवान ही चलाई, अग्रेसिव एक्ट्स किए जिससे डेफिनेटली कोई बड़ा एस्केलेशन हो सकता था। दैन दे डिड नॉट लीड टू एनी इंसिडेंट्स इज क्रेडिट टू द सोबर रिस्पॉन्स फ्रॉम ताइवान मिलिट्री। ताइवान की मिलिट्री भड़की नहीं क्योंकि उनको पता है चाइना क्या कर रहा है, तो इसलिए ठीक है, वरना और बहुत सोबर वे में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और सहन कर लिया जो किया चाइना ने, वरना तो बहुत बड़ा वॉर ही हो जाता था। विच इज सेड इट मॉनिटर चाइनाज एक्सरसाइजेस सम ऑफ विच वर हेल्ड विद इन 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान बट चूज टू नीदर एंगेज चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स नॉर शूट डाउन मिसाइल्स। तो ऑफकोर्स ताइवान की मिलिट्री वर सुपरवाइजिंग और देख रही थी कि चाइना की मिलिट्री क्या कर रही है, बट फिर भी उन्होंने कोई जवाब सामने नहीं दिया ताइवान के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आके, मतलब उनके टेरिटोरियल वाटर्स में आके भी उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की है, बट फिर भी कोई भी मिसाइल्स को शूट डाउन किया नहीं, ना ही कोई चाइनीज़ एयरक्राफ्ट और वॉरशिप के ऊपर अटैक किया ताइवान ने। अगर करता था तो उनको पता था उनकी हालत क्या होती थी, तो एक समझदारी का काम उन्होंने किया है। ओके, इफ द ड्रिल्स वर सर्टनली प्रोवोकेटिव चाइनाज ज्यूरिसडिक्शन इज जस्टिफिकेशन इज दैट दे वर अ नीडेड रिस्पॉन्स टू ड्रॉ अ रेड लाइन आफ्टर वॉट बीजिंग हैज सीन एज नीडलेस अमेरिकन प्रोवोकेशन दैट ट्रिगर्ड दिस एंटायर क्राइसिस। तो ड्रिल्स डेफिनेटली प्रोवोकेटिव थी, ताइवान को भड़काने वाली थी, उनके एरिया में घुस घुस के उन्होंने की, बट चाइना का जस्टिफिकेशन था कि हमें एक रेड लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी थी कि अमेरिका का प्रोवोकेशन अटकाने के लिए, जिसके वजह से ही पूरा क्राइसिस हुआ है। 3 अगस्त का जो विजिट था यूएस हाउस स्पीकर का, नैन्सी पेलोसी का, टू ताइवान, फर्स्ट सच हाई लेवल एंगेजमेंट इन 25 ईयर्स, लास्ट 25 सालों में पहली बार कोई हाई लेवल। देखिए वैसे ताइवान के साथ वर्चुअली ये लोग बात करते रहते हैं ऑनलाइन, बट ऐसे आने वाला चीज़ पहली बार 25 साल में हुआ। वॉज इन चाइनाज व्यू फर्दर एविडेंस ऑफ वॉशिंगटन हॉलोइंग आउट इट्स कमिटमेंट टू वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना बोलता रहता है कि ये ताइवान हमारा ही है, हांगकॉन्ग हमारा है, वो वन चाइना पॉलिसी कैसे यूएस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे चाइना को गुस्सा आया। ओके, एज द डस्ट सेटल्स नाउ इट्स डिफिकल्ट टू सी वॉट ऑल 3 पार्टीज। तो अभी तो 4 दिनों का ड्रिल उनका ख़त्म हो गया, हंगामा थोड़ा धुआं अभी शांत हो गया, उसके बाद तीनों पार्टी US, ताइवान एंड चाइना, अभी यही देखना है। इट्स डिफिकल्ट टू सी कि ये लोग तीनों क्या करेंगे। विल अल्टीमेटली गेन फ्रॉम अ विजिट दैट अपीयर्स टू हैव बीन ड्राइवन मोर बाय मिस पेलोसीज पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस दैट एनी वेल कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई एक पर्टिकुलर ताइवान के भले के लिए, कोई उनके बड़े स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए था ये विजिट, ऐसा नहीं लग रहा है। वी ऑल्सो डोंट नो नाउ कि अभी उन्होंने वहाँ पेलोसी ने जाके क्या बात की, बट ऐसा ही ज़्यादा करके तो लग रहा है कि मिस पेलोसी का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था ज़्यादा करके, यू नो, वहाँ उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में उनको ऐड करने के लिए वो विजिट की, जिससे एक्चुअली इतना बड़ा हंगामा हो गया। ओके, तो किस कंट्री को इससे फ़ायदा हुआ ये तो पता नहीं है। इट्स थस नॉट हार्ड टू सी वाई इवन US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द US मिलिट्री हैड कॉशन अगेंस्ट अ ट्रिप दैट ब्रिंग्स नो लास्टिंग स्ट्रैटेजी बेनिफिट्स फॉर वॉशिंगटन। तो इवन जॉय बिडेन ने और US मिलिट्री ने भी वॉर्न किया था मिस पेलोसी को कि आप उधर जा रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिससे हमें US को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला ये विजिट से, तो आप क्यों जा रही हो। फॉर ताइवान 23 मिलियन पीपल एंड फॉर प्रेसिडेंट साई इंग वेन
The rare high-profile foreign visit was no doubt welcome in the face of increasing global isolation on account of China's pressure. तो चाइना के प्रेशर की वजह से ताइवान जिस तरीके से आइसोलेट हो रहा है, अकेला हो रहा है, ऐसे दरमियान ताइवान के लिए यूएस की कोई बड़ी रिप्रेजेंटेटिव का आना एक बड़ी बात थी, ठीक है, एक बड़ा चीज था. बट और उनके 23 मिलियन पीपल के लिए भी ये बड़ी बात थी. बट फिर भी इससे फायदा क्या हुआ? ताइवान को भी नहीं हुआ, ना ही यूएस को हुआ, और ना ही फालतू में चाइना को गुस्सा दिला, ऐसा हुआ. So that short-term benefit may, however, be offset by the fact that Ms. Pelosi has arguably left Taiwan with a far worse strategic environment. तो ये short-term benefit था कि हाँ वो लोग isolated हैं, तो Ms. Pelosi आई तो उनका कुछ presence बढ़ेगा international level पे. But इससे ज़्यादा, फ़ायदे से ज़्यादा तो नुकसान हुआ है उनको, क्योंकि you know more strategic problems उनके हो गए China के साथ Taiwan के. अभी China's military has indicated its actions have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan Strait, bringing it ever closer to Taiwan's shores. तो अभी तो चाइना खुलेआम बोल रही है कि ये तो अभी हम लोग, हमारा न्यू नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग ऐसे ही ताइवान के पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहेंगे और हम देखेंगे वो लोग क्या कर लेते हैं. क्योंकि चाइना का मिलिट्री वी ऑल नो इज वेरी पावरफुल, ताइवान इतना छोटा सा है, वो लोग क्या फाइट देंगे उनको सामने. तो ये लोग खुलेआम अभी ये करते रहेंगे, तो ताइवान के लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ गए इनफैक्ट इससे, बिकॉज ऑफ द मिस पेलोसीज विजिट. ओके, तो बीजिंग एंड वॉशिंगटन मीनवाइल आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस ऑफ एन ऑलरेडी स्ट्रेन रिलेशनशिप दैट इज नाउ टेस्टरिंग ऑन द एज ऑफ एन एबिस. तो चाइना यूएस के बीच में कुछ कुछ समिट्स भी होने वाली थी, वो सब भी चाइना ने बंद कर दी कि नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ, ना ही ट्रेड, ना ही कुछ भी, कुछ नहीं करना चाहते. तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेन रिलेशंस थे ही चाइना और यूएस के, और बिगड़ गए बिकॉज ऑफ मिस पेलोसी. सो द फोकस मस्ट नाउ टर्न टू कूलिंग द टेम्परेचर्स. सो अभी फोकस होना चाहिए कि हाँ थोड़ा मामले को शांत किया जाए. डूइंग सो विल बी ईजियर सेड देन डन विद द लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स. तो वर्ल्ड के दो बड़े पावर्स हैं यूएस और चाइना, डेफिनेटली, और उनके बीच में एक दूसरे की तरफ कोई ट्रस्ट नहीं है. तो बोलना आसान है बट करना इतना आसान नहीं है इनका भी रिलेशनशिप सुधारना. इन रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसीज विजिट, बीजिंग लास्ट वीक सेड इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल्स. तो मिस पेलोसी के विजिट के बाद चाइना ने डेफिनेटली बोला कि इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल्स विद वॉशिंगटन बाय कैंसलिंग 3 key dialogue mechanisms. दैट टू, तो ये सब रिपोकेशन यूएस को भी भुगतने पड़ेंगे. That too at a time of heightened military tensions. War, it is said, is too important to be left to the generals. The same may be said of relations between nations. They should not be hostage to personal ambitions of politicians. तो politicians के personal ambitions के वजह से पूरा nation suffer नहीं करना चाहिए. तो जैसे wars हमें generals पे छोड़ देना चाहिए, वैसे politicians के personal एडवांटेजेस, पर्सनल अचीवमेंट्स के चक्कर में कंट्रीज को फ़ायदा, मतलब नुकसान हो इतना, दैट्स नॉट गुड, यू नो. तो ये चीज़ एडिटर ने अपने कमेंट में बताई है कि ये अच्छी बात नहीं है कि मिस पेलोसी खुद के का उल्लू सीधा करने में ताइवान का बलि चढ़ा गई, दैट्स नॉट गुड. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. I hope you guys understood it from the editorial's point of view. I agree today with the editorial's point of view. एकदम सही लिखा है ये. इस चीज़ से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ये इतनी बड़ी ये विजिट से इतना प्रॉब्लम हो सकता था तो नहीं आना था उनको. नेक्स्ट वन गाइज, योर फ्यूचर, क्या क्या नाम रख के आते हो यार आप लोग अपने यूट्यूब पे. हाँ, ओके. सो गाइज, ये जो मैं बताती हूँ आपको, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में काफ़ी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है. सिंस यू गाइज आर अपियरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वर्किंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेज, ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको रीड करना चाहिए, डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट. आई एम राइटिंग रीड ओवर योर पूरा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो
जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कैसे अपॉइंट होता है, कैसे वर्क होता है उसमें, अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, 26 अगस्त को मिस्टर रामना इज रिटायरिंग, तो कौन होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. आई वुड से डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट. मैं जैसे ही टेलीग्राम पे ये शेयर करूँगी न्यूज़पेपर, प्लीज़ रीड कर लीजिएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज दिस. हाय शांतनु, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो. सो गाइज, आप लोग ने, आई डोंट नो आप लोग ने देखी या नहीं, जयेश भाई जोरदार मूवी, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था एंड काफ़ी विलेजेस में ऐसा होता है. तो वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में विलेजेस में अभी भी विमेन को इतने राइट्स नहीं मिलते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए हैं फिर भी. तो पंचायत में एक विमेन कैंडिडेट होना ही चाहिए, ओके, मिनिमम वन. तो उनके लिए रिजर्वेशंस रखे गए हैं, ओके, विमेन कैंडिडेट के लिए. तो क्या होता है ना कि विमेन को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं पंचायत के, जीत जाती है वो और फिर उनके हस्बैंड्स काम करते हैं सिर्फ नाम के लिए उनको, जैसे जयेश भाई जोरदार मूवी में उनकी बहू को ये करके, उनका नाम करवा के, उसका सिर्फ अंगूठा लगवा के फिर उनके ससुर ही पूरा राज चलाते हैं गाँव में. तो ऐसा दिखाया गया है, तो ऐसा ही हो रहा है एमपी के भी पंचायत में, खुलेआम ऐसा हो रहा है. हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वुमेन टेकिंग ओथ एज द हेड ऑफ पंचायत एंड ऑल. सो एज द वायलेशन ऑफ एम्बरेस्ड हैज एम्बरेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज इट विल इश्यू एडवाइजरी टू प्रिवेंट एनी सच इंस्टेंसेज इन फ्यूचर. तो ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हम मेक श्योर करेंगे ऐसे इंस्टेंसेज फ्यूचर में ना हो. ये हम वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए ये चीज़ कर रहे हैं. तो फिर उनके, उनको सिर्फ नाम के लिए रख के उनके हस्बैंड ही सारे काम करेंगे, तो ये कुछ ठीक बात नहीं है. तो दिस इज हैपनिंग एक्चुअली इन इंडिया, इट्स नॉट जस्ट इन एमपी, इट्स एवरीवेयर आई फील, ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आई वुड से. तो एमपी पंचायत में तो पकड़ा ही गया कि हस्बैंड्स ओथ ले रहे थे विमेन के नाम पे इलेक्शन, उनके वाइफ के नाम पे लड़के. तो दैट्स टू बैड. नेक्स्ट वन इज US का, गाइज एक नेवी शिप है ना, वो इंडिया में रिपेयर्स के लिए आया है. द वर्क विल गो ऑन टिल 17th of August, ओके, 17 अगस्त तक ये वर्क चलेगा. तो US का नेवी शिप पहली बार, आज तक कभी नहीं आया है, पहली बार इंडिया आया है इस तरीके से रिपेयरिंग के लिए. जो चार्ल्स ड्रू जिसका नाम है, ठीक है, LNT के शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में जो है ना, वहाँ वो लैंड होगा रिपेयर्स के लिए. तो ये इंडो US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक टाइप का एक्सपांशन है कि किस तरीके से हम दोनों का, इंडिया और US का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रहा है, ये दिखाता है ये न्यूज़. तो आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क, इसमें मैंने थोड़ा सा ही हाईलाइट जो किया है ना वो लिख लेना गाइस. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस कि कांग्रेस के MPs ने राहुल गांधी को अर्ज किया है कि आप पार्टी चीफ की पोजीशन से अभी हट जाओ. यस, पंचायत सीरीज में भी वैसे ही है, सेम. यस यस यस, जो प्राइम पे दिखा, प्राइम पे ही है ना आई बिलीव पंचायत. विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में पड़ता है हिमांशु. शांतनु, रीडिंग स्पीड तो रोज़ के रीडिंग से ही आपका इम्प्रूव होगा. रोज़ टारगेट आपको, मतलब पहले तो 15-20 दिन नॉर्मल रीडिंग का हैबिट करो, फिर रीडिंग करते करते समझते हुए कैसे आप फास्ट पढ़ाते हो, तो अपना टारगेट रोज़ थोड़ा 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 दो 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 मिनट का बढ़ाओ, तो वैसे बेटर हो जाएगा. सो कांग्रेस MPs अर्ज राहुल टू टेक बैक चार्ज एज MPs चीफ, पार्टीज चीफ. इश्यू वॉज डिस्कस्ड व्हेन मेंबर्स वर डिटेन्ड फॉर प्रोटेस्ट ऑन 5th August. तो प्रोटेस्ट के लिए जब भी मेंबर्स को डिटेन किया गया था 5 अगस्त तक, तो बाद में ये इश्यू खड़ा हुआ. राहुल गांधी को बोला कि तुम निकलो अभी, पार्टी के चीफ नहीं रहो. तो इट्स अ बिग थिंग, लिखना नहीं है ये न्यूज़, सिर्फ ध्यान रखिए. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ गाइस, स्टार मार्क कर रही हूँ. CSIR गेट्स इट्स फर्स्ट विमेन चीफ एंड कलई सेल्वी, लिथियम बैटरी एक्सपर्ट, इज एक्सपेक्टेड टू एड इंडियाज़ ई व्हीकल पुश. तो CSIR गाइस,
इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 80 ईयर्स हो गया इसको, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये एस्टैब्लिश हुआ था. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें पहली बार कोई विमेन डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है. एन कलई सेल्वी इज द न्यू चीफ ऑफ CSIR. शी इज़ अ लिथियम बैटरी एक्सपर्ट एंड इंडिया में ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के को ज़्यादा पुश करेगी है, ऐसा माना जा रहा है. वर्ल्ड न्यूज़ में गाइज ये है, चाइना कंटिन्यूस ड्रिल्स इन ताइवान स्ट्रेट, कल तक संडे तक तो था ही, एंड उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लाइव फायर ड्रिल एक्सरसाइजेस करेंगे येलो एंड बोहाई सीज में. जो येलो सीज है और बोहाई सीज है चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में, वहाँ भी हम ड्रिल्स करेंगे. ओए भाई, चाइना ताइवान तो सहन कर लेगा, नॉर्थ कोरिया वाला भड़क ना जाए, ध्यान रखना है उनको. माय गॉड, तो येलो एंड बोहाई सीज जो चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में एक्सरसाइजेस अभी करेंगे, ये उन्होंने अनाउंस किया है. स्टार मार्क करी हुई हेडलाइन लिखिएगा गाइस. देन चाइनीज एनवॉय मीट्स रनिल ऑन शिप्स हैम्बनटोटा विजिट. तो ये हैम्बनटोटा शिप जो चाइना का है, ये श्रीलंका के पोर्ट पे आएगा ना, तो इससे इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम है. हम इंडिया ऑलरेडी हेल्प कर रही है श्रीलंका को इतना, तो हमने रनिल विक्रम सिंघे को बोला है कि ये विजिट, ये आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए. तो कोलंबो ने रिक्वेस्ट किया फिर चाइना को कि आप इस शिप का अराइवल डीले करो, डिफर करो जब तक हम हमारा डिस्कशन ना हो जाए, अंटिल टॉक्स. तो चाइनीज़ एम्बेसडर टू श्रीलंका जो है वो प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंघे को मिले टू डिस्कस द शेड्यूल अराइवल ऑफ अ चाइनीज़ वेसल. तो चाइना का ये जो वेसल है सदर्न हैम्बनटोटा पोर्ट पे आने वाला है, तो वो उसका उसको आना डीले किया जाए जब तक बातचीत ना हो जाए, ऐसा विक्रम सिंघे ने बोला है. ये चीज़ एशियन मीट में भी डिस्कस हुआ था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में. सिग्निफिकेंटली द शिप्स विजिट दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय श्रीलंकन साइड ऑन जुलाई 12 को श्रीलंका ने तो अप्रूव कर दिया था शिप का विजिट. इट वाज आल्सो टेकन अप एट टॉक्स हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विद श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर अली सैबरी ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशियन समिट इन कंबोडिया लास्ट वीक. तो ये श्रीलंका ने तो अप्रूव कर दिया है, बट इंडिया बोल रहा है कि आप कैसे कर सकते हो ये. तो अभी रनिल विक्रम सिंघे ने बोला है कि भाई इंडिया को इससे प्रॉब्लम है, तो तब तक हम डीले करो, आप मत ये श्रीलंकन पोर्ट पे लाओ जब तक हमारा बातचीत नहीं हो जाता. तो ये न्यूज़ भी लिखना गाइस, हाईलाइटेड पार्ट. देन गाइस, कल बहुत बड़ी चीज़ हो गई. यूक्रेन के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ना, वहाँ स्ट्राइक किया गया, वहाँ अटैक किए गए. इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हुआ तो दैट वुड बी वर्स्ट वर्स्ट थिंग फॉर एंटायर यूनिवर्स आई वुड से. सो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने अलार्म किया, एक चौंकना किया सबको कि न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन पे, उस पर स्ट्राइक्स हो रही है, दिस वुड बी टू बैड. तो ये रोकनी पड़ेगी ही कैसे भी करके. देन गाइज, कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं इंडिया के गाइज. सो एल्डोज एंड अबू बेकर मेक इट 1-2 for इंडिया इन ट्रिपल जंप. ओके, तो प्रवीण ऑलमोस्ट मेक्स इट अ स्वीप बिफोर फिनिशिंग 4th. ब्रॉन्ज मेडल्स लाए प्रवीण जी, एंड फॉर अनुरानी इन जेवलिन, एंड जेवलिन में अनुरानी भी 4th आई, ब्रॉन्ज लाए. संदीप कुमार भी ब्रॉन्ज लाए 10,000 meter रेस वॉक. तो ये सारे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स स्टार मार्क करी लिखना है. देन गोल्डन पंच, मतलब गोल्डन मेडल लाए हैं, गोल्ड मेडल निखत एंड नितू एंड पंगल, 3 boxers ब्रुक टू नो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग देयर समिट क्लैशेस. तो टोटली इंडिया का जर्नी क्या रहा है ना, ये ऐसा रहा है. ये मैंने स्टार मार्क किया, आपका कुछ भी अभी तक के कॉमनवेल्थ के बारे में लिखने का रह गया तो इससे लिख सकते हो. ओके, एंड सविता स्टार्स एज इंडिया वुमेन लैंड ब्रॉन्ज. तो सविता हॉकी में, वुमेन्स हॉकी में सविता पुनिया इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लाई है. एंड वन लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइज, विश्वनाथ आनंद आर चेस चैम्पियन बिकम्स फाइट डेप्यूटी प्रेसिडेंट
फाइड क्या है, चेस का ही एसोसिएशन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का. सो वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद फाइड के डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने. डोरकोविच री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, और डोरकोविच वापस री इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट, और वाई डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे विश्वनाथ आनंद आ चुके हैं. इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया. लिखना है ये न्यूज़ डेफिनेटली, आई पुट अ स्टार मार्क. तो आज के दिन की गाइस ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ मैंने करवा ली है आप लोगों को. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय. यस हिमांशु, यू राइट.